मध्य प्रदेश के मेवाड़ी जिले में बसा एक छोटा सा शहर है ये ओरछा। ये ओरछा ना सिर्फ बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करता था, ये ओरछा बुंदेला साम्राज्य के शान हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में राजपूत महाराजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा बसाया गया ये ओरछा। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आप लोगों को घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ बुंदेला राजपूत राजाओं की इस ऐतिहासिक धरोहर ओरछा का किले। तो इस ओरछा किले का जो भी रोचक इतिहास है वो आज हम लोग जानेंगे, तो आप लोगों को भी वो सब इतिहास जानने को मिलेगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए, आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओरछा किले का इतिहास जैसे रोचक है, उसी तरह इस ओरछा किले का बनावट भी बहुत ही लाजवाब है। उसी में से एक है ये जो मुख्य द्वार मेन गेट है, इसका बनावट देखिए। इसको काटिला गेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने सारा कांटा लगा हुआ है ये सब लोहे का बनावट था, इसलिए क्योंकि ये था इस किले का सुरक्षा कवच। पहुँच चुके ओरछा फोर्ट और अभी टिकट काटने की बारी। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कहाँ कौन सी तरफ क्या देखने को मिलेगा, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए। तो मेरे पीछे है ओरछा फोर्ट। एक्चुअली हम लोग जिस ओरछे में ठहरे हैं, मतलब जगह का नाम है ओरछा, तो यहीं पर ये फोर्ट है ओरछा फोर्ट। यहाँ पे एक फेमस है कि जहांगीर यहाँ पर आए थे, तो जहांगीर के लिए यहाँ पर एक महल बनाया गया था, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। उसका नाम है जहांगीर महल। दूर से मेरे होटल से ये दिख रहा था, तो आज का दिन पूरा रेस्ट था, बाइक का सर्विस डन हो चुका है, तो सोचे कि दोपहर का टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं ओरछा फोर्ट घूम के आते हैं, हो सकता है बहुत कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिल जाए। लेकिन जो डर था हम लोगों का, जे वीडियोग्राफी अलाउ होगा कि नहीं, ट्राईपॉड अलाउ होगा कि नहीं, क्योंकि राजस्थान में जयपुर में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद कुंभलगढ़ में प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद चित्तरगढ़ में प्रॉब्लम हुआ, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहीं से हम लोग वापस होटल की तरफ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को परमिशन दे दिया वीडियोग्राफी के लिए। कैमरा के लिए अलग चार्ज लगता है, लेकिन मोबाइल कैमरे में शूट करने के लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं है और वीडियोग्राफी हम कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी अंदर, और 100 मैन अंदर गया हुआ है, तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं अंदर। अंदर घुसने के साथ ही और दो द्वार सामने मिलेगा, एक है जहांगीर महल जाने का रास्ता और एक है राजा महल जाने का रास्ता। ये जो सामने का गेट है ये राजा महल जाने का रास्ता है, और बाईं तरफ जो गेट है ये जहांगीर महल जाने का रास्ता है। ओरछा फोर्ट के इतिहास के बारे में जानने के टाइम मुझे ये पता चला, ये जो ओरछा है ये बुंदेला राजपूत राजाओं की दूसरी राजधानी थी, जो कि पहली राजधानी था करकुंडर में, जो कि ओरछा से 50 किलोमीटर की दूरी में था। 1531 में राजा रुद्र प्रताप इस किले का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन उस दौरान कुछ कारणवश राजा की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनका बड़ा बेटा भारती चांद ने राजगद्दी संभाली। उन्होंने भी फिर से ये किले बनाना शुरू किया, उसके बाद उनका भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका छोटा भाई जो कि मधुकर शाह थे, उन्होंने जाके ये वाला फोर्ट का काम कंप्लीट किया, जो कि आज का ओरछा किला यानी ओरछा फोर्ट है। तो अभी जहाँ पे ओरछा फोर्ट के अंदर जहाँ अभी है ये है दीवानी आम। तो हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा है हर कोई को पता है दीवानी आम क्या होता है, मतलब राजा जब अपना प्रजाओं के साथ बैठ के कुछ बातचीत करता है जिस जगह पे, उस जगह को कहते हैं दीवानी आम। तो ये पूरा राजस्थान राइड में ये पहला एक नज़र है दीवानी आम का। इससे पहले जितना सारा फोर्ट गए थे उसमें दीवानी आम नहीं देखे थे, हाँ देखे थे लेकिन उन लोगों का अलग से देखे थे, लेकिन एक्चुअल में दीवानी आम क्या होता है वो ओरछा फोर्ट आने के बाद देखने को मिला। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते दीवानी आम क्या था, कैसा था, क्या होता था, वो तो आप लोगों को बता दिए, कैसा दिखता था वो दिखाते हैं। तो ये हम दीवानी आम में खड़े हैं। इस जगह पे राजा मोसाई बैठते थे और यहाँ पे शायद प्रजा लोग रहता था, तो इस जगह को बोलते हैं दीवानी आम।
तो ये जगह कितना बड़ा है देख लीजिए, ये मेरे पीछे पूरा स्पेस है। और अभी बारी है आगे जाने की, हम दीवानियाम पहले देख लिए ओरछा फोर्ट का, और चलिए अब मेन जो पार्ट है उसके तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है राजा महल इस तरफ है, तो पहले चलते राजा महल, उसके बाद और कुछ जो जो है इस पूरे ओरछा फोर्ट के अंदर टोटल घूमेंगे। 5 बजे तक शायद खुला है, तो आई होप 5 बजे के अंदर कवर कर पाएंगे पूरा। राजा महल का टोटल 4 पार्ट में भाग किया गया था, जिसमें से एक पार्ट हम लोग घूम लिए जो है दीवानियाम, और इस राजा महल के अंदर पड़ता है और 3 पार्ट। और अभी ये है मुख्य द्वार राजा महल में एंट्री करने के लिए, तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं। अंदर आने के बाद ये जो जगह अभी दिखाई दे रहा है ये है दीवाने खास, मतलब यहाँ पे जो खास मेहमान लोग आते थे राजा का, उन लोगों के साथ यहाँ पे राजा बैठ के कुछ बातचीत करते थे, तो इसीलिए इस जगह को बोलते हैं दीवाने खास। पूरे राजस्थान राइड में जितने सारा फोर्ट हमने कवर किया है, आप लोगों को भी वीडियो में देख के समझ आ जाएगा कि हर एक फोर्ट का नज़ारा कुछ अलग है। ओ भाई साहब, ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा, ये एक हम लोगों के घर में होता है ना बैल्कनी, तो ये कुछ तब के टाइम पे फोर्ट का बैल्कनी हुआ करता था शायद, तो यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखा दे आप लोगों को। तो ओरछा फोर्ट के ऊपर आ चुके हैं एकदम टॉप फ्लोर में, और अभी बैठे हुए कुछ ऐसी जगह पे, यहाँ से भी व्यू बड़ी तगड़ी आ रही है। तो ड्रोन होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन शायद ड्रोन यहाँ पे उड़ाने नहीं देता। और ऊपर से कुछ सिटी का व्यू शायद आप लोगों को दिखा पाएंगे। और जितना सारा फोर्ट अब तक घूम लिए, सारे के सारे फोर्ट बहुत ही ऊंचा, मतलब टॉप फ्लोर इतना ऊंचा है कि पूरा सिटी यहाँ से नज़र आता था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। हर जगह फोर्ट ही मिलेगा इधर, और राजस्थान में किला फोर्ट ये सब के लिए राजस्थान फेमस है। तो इधर अगर कोई घूमने के लिए आ रहा है, एक तो डेजर्ट, दूसरा हो गया ये सब किला फोर्ट, तो यही मिलेगा। इधर का जो आर्किटेक्चर है, हम इतने दिनों से जैसा आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं, इधर का जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अलग है, इंटरेस्टिंग है। हमने पहले बोला था आप सबको, तो हॉर्डन मैन भी बता दिए। तो अभी ये टॉप फ्लोर छोड़ के नीचे जाने का टाइम आ चुका है, और नीचे जाएंगे, और यहाँ से तो वो और एक महल है, तो अभी यहाँ से नीचे उतरेंगे और वहाँ जाएंगे। तो बहुत बड़ा फोर्ट है भाई, बहुत बड़ा। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये उस जमाने में फाउंटेन, मतलब फुहारा हुआ करता था। इसमें खुशबू के लिए बहुत सारा फूल, इत्र, गुलाब जल ये सब डाला जाता था, ताकि इस आंगन का वातावरण बहुत सही रहे। इस दीवार में जितने सारा फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सारा कुछ फ्रेस्को पेंटिंग है। पहले के ज़माने में फॉल फूल ये सब तरीके से इस सबको पेंटिंग किया जाता था, तो ये काफ़ी 500 साल पुराना एक पेंटिंग है। अभी भी ये सारा पेंटिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है।
और उसके बाद राजा महल का मेन जो मुख्य द्वार है, जहाँ पे बहुत सारा स्टेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे नृत्य अनुष्ठान का आयोजन किया करते थे उस टाइम राजा, जो राजा के मेहमान लोग आते थे उन लोगों के लिए। आप लोगों को ये फोटो दिख रहा है, ये पॉज करके थोड़ा पढ़ लीजिए। तो अभी हम राजा महल जो था वो देख के आ चुके हैं और एंटर कर रहे हैं जहांगीर महल, जो तब के टाइम पे बनाया गया था। कौन बनाया था वो भी आपको एंड में पता चलेगा, पहले जहांगीर महल का पहला नज़ारा कुछ देख लीजिए। ये जो अभी जहांगीर महल आप लोग देख पा रहे होंगे, इस जहांगीर महल का जो इतिहास है वो ये है कि महाराजा वीर सिंह देव ने मुगल बादशाह जहांगीर के लिए, उनका स्वागत के लिए ये महल बनवाया गया था 17वीं शताब्दी में। लेकिन उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये था कि मुगल सम्राट जहांगीर जब यहाँ पे आए थे वो बस एक ही रात के लिए यहाँ पे रुके थे, उसके बाद वो यहाँ से चला गया था। तो उनका एक रात रुकने के लिए इतना बड़ा महल बनवाया गया था तब के टाइम पे। और ये महल अंदर से बहुत ही खूबसूरत है, इसका बनावट एक एक चीज बहुत ही लाजवाब है। वैसे जहांगीर महल में भी ऐसे ही भुलभुलाया, लेकिन थोड़ा अलग ही आर्किटेक्चर बना हुआ है। तो हम बाहर से देखें, हम अंदर और नहीं गए। तो ये पीछे पूरा जहांगीर महल का नज़ारा, और जहांगीर महल से बाहर आते ही पीछे की तरफ ये रहा ऊँटों का रहने का जगह था, ऊँट खाना। तो ये ऊँटों का रहने का जगह था, और यहाँ से शायद रास्ता था नीचे की तरफ। ये जो रास्ता नीचे जा रहा है, पूरा एरिया है फोर्ट का, मतलब फोर्ट का दीवार वगैरह सब कुछ। तो आगे दिखाते हैं, इसके अंदर ऊँट रखा जाता था, ये था ऊँट रहने का जगह पूरा। तो अभी आ चुके एकदम बैक साइड में ओरछा किले का, यहाँ का लोग किला कहता है, फोर्ट बोलने से घबरा गए थोड़ा, क्या है फोर्ट। तो हम जब बोले किला, बोले हाँ हाँ किला यहाँ पे बोलता रहता है। तो ये किला का दीवार है पूरा नज़र जो आ रहा है पीछे। और अभी हम लोगों का घूमना एक तरफ बोल सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं, अभी चेहरे का हालत बहुत ही गंदा हो चुका है तो यहाँ पे नज़र मत दीजिए। और अभी आ चुके हैं ओरछा फोर्ट के पीछे की तरफ, दाऊजी का कोठी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है रायमान दुआ की कोठी, और यहाँ पे लिखा हुआ है दाऊजी की कोठी। तो थोड़ा अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं अंदर क्या है। तो ये आ चुके हैं दाऊजी की कोठी, और इसके अंदर अभी तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ टूट गया है। और इधर दरवाज़ा था, ये तो बंद कर दी गई, पता नहीं इसके अंदर क्या था। और इधर भी जाने के लिए कुछ जगह है, देखते हैं क्या है और आगे चलते हैं। तो दाऊजी कोठी के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा है अंदर की। तो अभी तो शाम होने ही वाले हैं, अभी रास्ता भटक गए थे, तो ज़्यादा यहाँ पर वेट नहीं करेंगे, निकलते हैं यहाँ। तो ओरछा फोर्ट का जर्नी यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम लोग बेतवा नदी के किनारे, कुछ मंदिर बना हुआ था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, उसका लाइट वगैरह तो आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। तो वहां पे आके थोड़े देर बैठे और फिर हम लोग वापस अपना होम स्टे पे चले गए। तो ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़रूर 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 लाइक और एक स्वीट कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि इसके बाद वाला जो वीडियो आए आप लोगों के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे, मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए।